श्री कृष्ण की जन्म स्थली एवं क्रीड़ा स्थली का गवाह यह ब्रज क्षेत्र कान्हा की हर एक लीला को याद दिलाता है। कहते हैं ब्रज में हर एक जगह और गांव का नाम भी कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा होता है। यही नहीं बल्कि ब्रज में कई जगह ऐसी हैं जो आज भी कृष्णकालीन युग का अनुभव करवाती है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि ब्रज में आज भी कृष्णकालीन युग की निशानियों के रूप में आज भी यहाँ बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं। कहीं वृक्ष के रूप में मौजूद हैं तो कहीं शिला के रूप में विराजमान हैं तो कहीं कान्हा के आज भी ब्रज में रहने का एहसास करवाती हैं। ब्रज में कान्हा की लीला में से एक लीला है महारास लीला कि कान्हा ने मथुरा के पारसोली स्थित चंद्र सरोवर पर 16,108 सखियों के साथ में महारास किया था। महारास स्थली चंद्र सरोवर पर यहाँ पर बना यह चबूतरा आज भी उस लीला का गवाह है। कहते हैं इसी जगह पर आज ही यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि में कान्हा ने 16,108 सखियों के साथ में 16,108 कान्हा रूप धारण कर महारास किया था। बताया जाता है कि कान्हा की इस लीला को स्वर्ग के देवताओं ने भी देखा था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद की चांदनी में आज भी भक्तों को प्रभु दर्शन देने के लिए कान्हा श्वेत वस्त्रों में आसमान के नीचे मंदिर से निकलकर यहां दर्शन देने के लिए आते हैं और भक्त यहां पर प्रभु के इस छवि को निहार कर अपने आप को धन्य मानते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा के दिन देश और विदेश से आकर भक्त यहाँ पर महारास नृत्य करते हैं और जमकर झूमते भी हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ खास उत्सव भी होते हैं। चंद्र सरोवर पारासोली को सूरदास की साधना स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि सूरदास जी के द्वारा यहाँ पर करीब 70 वर्ष तक तप और साधना की गई थी। जय मायरी मेरे श्यामल जो संग डोले जीत जाऊं तो आड़ोहिया बेरी सजनी बिना बुलाए मुसो बोले कहा करूं ये नैना लोभी वस की ये बिन मोले कुमन दास प्रभु गोवर धन धर हसी हसी घूंघट खोले मायरी मेरे श्यामल गयो संग डोले शिवल्लभाधी सकी जय श्री गिरिराज धरण की जय। ये वो स्थल है चंद्र सरोवर का जहाँ हम आपको खड़े हुए हैं जो भगवान ने 6 महीने की रात्रि करी थी। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल मल्लिका भी किरंतु मनश्चक्रिय युग माया मपाशिता यानी भगवान ने 16,108 गोपिकाओं के साथ में महारास रचा है। कब? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। तो वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को यह महाउत्सव मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और शरद पूनम के दिन देवी देवता आकर्षित होकर के यहाँ पुष्प वर्षा करते हैं और देखने के दर्शन के लिए पधारे हैं। ये वो स्थान है 16,108 गोपिकाओं के साथ में भगवान ने यह महारास रचा है। ये वो महारास चबूतरा है श्री गिरिराज धरण की। खास उत्सव यहाँ पर किए जाते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन, क्या खास उत्सव यहाँ? शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ चंद्र सरोवर पारासोली का एक महाराष्ट्र का बड़ा दिव्य और सुंदर भव्य उत्सव मनाया जाता है। खास करके जो प्रभु ने यहाँ खीर का जो अमृत के समान होती है उसका भोग प्रभु को अरोगाया जाता है और राष्ट्रपंचायदी का रात्रि भर पाठ चलता है यहाँ। जो भगवान ने राष्ट्रपंचायदी में लिखा है, जो मैंने अभी श्लोक बोला था, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल मल्लिका, उसका राजपंचायदी का जो उपियों ने गाया है उनका पाठ यहाँ रात्रि भर चलता है। विविध प्रकार के श्वेत वस्त्र धाए जाते हैं प्रभु के लिए, श्वेत ही श्रृंगार होता है, श्वेत ही मालाएं धारण, श्वेत ही कुले पाक सब जरी का पाक आता है, श्रृंगार प्रभु के लिए धराते हैं हम लोग। और जो भी उस दिन आएगा वो सब श्वेत वस्त्र में आएगा, श्वेत ही आएगा यानी सफ़ेद आएगा सब उस रात्रि को। बताते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो भी उसी तरीके से, और खास करके दीपदान होगा सरोवर के ऊपर में, सूरकुटी के ऊपर सरोवर के ऊपर में भव्य दीप दान किया जाता है। यहाँ का वैष्णव यात्री कोने कोने से यहाँ इकट्ठा होते हैं आकर उस रात्रि को। श्रद्धालु यहाँ आकर जो नृत्य करके वही अनुभव प्राप्त करते हैं बताया जाता है, कुछ ऐसा वो अच्छा है। इसीलिए बताया जाता है कि यहाँ उसी भगवान ने जो नृत्य किया है, जो महाराज किया है, उसी भावना में आज भी श्रद्धालु यहाँ आकर के कीर्तन बोलते हैं और नृत्य करते हैं। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। हम चंद्र सरोवर के उस स्थल पर खड़े हुए हैं, उस चबूतरे के पास में हैं जहाँ भगवान ने 6 महीने की रात्रि करी थी, जिसे कहते हैं महारास। 16,108 गोपिकाओं के साथ में भगवान ने यह महारास रचा है। यमुना पुलन, जो यमुनामती निकलती है, यमुना जी की धारा, वो यही चंद्र सरोवर है।
चंद्रमा को 6 महीने के लिए भगवान ने अटल किया, 6 महीने की एक रात्रि की, 16108 गोपकाल के साथ में महाराज रचा, वो ये चबूतरा स्थल है जो शरद का उत्सव यहाँ महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। सरोवर पर दीपदान होता है। श्री गिरिराज धरण की जय। कैसे क्या कनेक्शन है सूरदास जी का? महाकवि महात्मा सूरदास जी को सूरदास बनाने वाली भूमि यही भूमि है। इस भूमि पर महात्मा सूरदास जी ने अपने आप का 105 वर्ष का जो जीवन था उसमें से महत्वपूर्ण 73 वर्ष आध्यात्मिक साहित्यिक साधना में देकर के अपने जीवन को धन्य बनाया। दैनिक सीना जी के मंदिर में कीर्तन के रूप में, कीर्तनिया के रूप में वहाँ सीना जी के मंदिर में जाया करते थे। बताया जाता है कि ये सूर साधना स्थली भी इसे कहा जाता है, तो किस लिए ये पूरा सूर साधना स्थली इसे कहा जाता है? सूरदास जी की साधना के लिए भूमि उपयुक्त थी। कतिपय विशिष्ट गुणों के कारण महात्मा सूरदास जी ने इस स्थली का चयन किया, क्यों ये साधक की साधना को करने में साधन के रूप में प्रयुक्त हुई सूरदास जी के लिए। यहाँ पे कोई ऐसा पद जो सूरदास जी ने जो गाया था या फिर कुछ ऐसा? सूरदास जी का आशय का एक प्रमुख पद है, भरोसो धृढ़ चरणन के रो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटाविन सब जग माए अंधेरो, साधन और ना है या कल में यासों होए निवेरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो बिना मूल पहुँचेरो। गुरु और भगवान में जो द्वैत बुद्धि रखता है उसको सूरदास जी ने अंधा बताया है। गुरु ही भगवान हैं और भगवान ही गुरु हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।